गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजया। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम बिना पैसा खर्चा करे हुए अपने पौधों को हरा भरा और स्वस्थ बना सकते हैं। ये काम हो सकता है बहुत ही आसानी से, वो भी गौमूत्र का इस्तेमाल करके। ये जो है बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कोई हम नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्राचीन काल से हमारे पूर्वज करते आए हैं। शायद इसीलिए वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहे हैं। काउ यूरिन जो है एक रामबाण की तरह है, जो सभी लिविंग बींग्स पर एक जादू की तरह असर डालता है। गौमूत्र के में काफ़ी सारे फ़ायदेमंद एलिमेंट्स रहते हैं। एक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए 14 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन काउ यूरिन में 16 एलिमेंट्स रहते हैं। इसके जानने से पहले हम ये जान लें कि आखिर इसको यूज़ हम क्यों करेंगे। आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स आदि के तो बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं, तो दोस्तों ये फ़ायदे केवल कुछ ही दिन के हैं। लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। कई देशों में इसका अंधाधुंध इस्तेमाल होने के बुरे नतीजे भी पता चले हैं, क्योंकि ये जो जहरीले केमिकल्स हैं मिट्टी में मिल करके मिट्टी से प्लांट में जाते हैं, और वो प्लांट जो है वो हमारे शरीर में पहुंच करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उस समय जब हम बड़े बड़े फ्रूट्स देखते हैं, हरे हरे, बहुत अच्छा लगता है। चमकीले फ्लावर्स देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं। काउ यूरिन में सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फेट, आयरन, विटामिन ए, बी, सी आदि आदि हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो जो ज़मीन में हमारे जो केचुए रहते हैं, आप तो जानते ही होंगे कि ये केचुए जो हैं कितने फ़ायदेमंद हैं। ये सारे साल जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा करके गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं ऊपर से नीचे जा करके। काउ यूरिन या फिर गोबर जो है इस्तेमाल करने से इनकी संख्या बढ़ जाती है, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो पहले से ज़्यादा हरे भरे दिखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लें कि आखिर इसका इस्तेमाल करना कैसे है। हम जो आपको मात्रा बताएंगे ये 1 लीटर के हिसाब से बढ़ाएं बता रहे हैं। अगर हमें प्लांट्स को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है तो 1 लीटर गौमूत्र को 10 लीटर पानी के साथ मिला करके पौधों को में समय समय से हफ्ते भर में स्प्रे करते रहें, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर पौधों में कीड़े लग गए हों तो 1 लीटर गौमूत्र में 100 ग्राम नीम की पत्ती की चटनी बना करके, या फिर नीम के तेल को 10 ग्राम केवल तेल लेकर के मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर पत्तियों में भूरे पीले धब्बे पड़ गए हों या फिर फल जो हैं पेड़ में ही सड़ रहे हों, तो 1 लीटर गौमूत्र में 1 लीटर खट्टा दही मिला लें और फिर उसमें 8 लीटर पानी मिला करके पौधों में हर दूसरे तीसरे दिन डालें। कुछ ही दिन में असर दिखाई देने लग जाएगा। ये प्लांट्स में ना केवल फंगस, इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं, बल्कि जो है मिट्टी में रहने वाली दीमक को भी समाप्त कर देते हैं। अगर घर में कोई पालतू जानवर हो, उसके शरीर में कीड़े लग गए हों, तो यह है काउ यूरिन उसके शरीर में मल करके कुछ देर के लिए छोड़ दें और बाद में उसको नहला दें। इससे जो है कुछ ही दिन में कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। काउ ये इसका गोबर का और काउ यूरिन का हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे जमीन में रहने वाले जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं। गौमूत्र के यूज़ करने के बाद किसी अन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कोशिश करें 21 दिन तक हर 21 दिन में इसको डालते रहें। कुछ महीने इस्तेमाल करके इसके चमत्कार को तो देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। फ्रेंड्स, ये काउ यूरिन आप अपने दूध वाले से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं, या फिर जहाँ पर गाय पाली जाती हैं वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अपना कंटेनर लेके ज़रूर जाएं, वो लोग खुशी खुशी आपको दे देंगे, वो भी बिना किसी खर्चे या पैसा मांगे हुए। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदेमंद है आपके स्वास्थ्य के लिए भी। और इस तरह से अपनी प्रकृति को हरा भरा बनाइए, खुद स्वस्थ रहिए, प्रकृति को भी स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।